हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका इंड्रोमेनिया पर। दोस्तों यहां पर मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं Realme के कलर OS 6.0.1 में क्या कुछ नया चेंज आपको देखने को मिलेगा, वो मैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। दोस्तों यहां पर है मेरे पास में Realme का Realme 5 Pro, आप देख सकते हैं, और यहां पर जो है मेरे पास में जो लेटेस्ट है Realme का कलर OS 6.0.1 वो मैं यहां पर यूज़ कर रहा हूं। तो ऐसे में हमें क्या कुछ चेंजेस इस नए अपडेट में देखने को मिलते हैं वो मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी के पास में आपको बेल आइकन भी दिख जाएगी, उसे भी आप प्रेस कर दीजिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले चेंज की मैं बात करना चाहूँगा तो वो है यहाँ पर वेदर विजिट। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वेदर विजिट है वो यहाँ पर नया ऐड कर दिया गया है इस Realme के कलर OS 6.0.1 में। हालांकि ये जो दोस्तों कलर OS 6.0.1 है ये ओप्पो का है, लेकिन ओप्पो का हो चाहे Realme का हो दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो है 6.1 में यहाँ पर जो नया वेदर विजिट है वो यहाँ पर आपको ऐड करके दे दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले चेंज की तरफ, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है नोटिफिकेशन पैनल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अब जो है यहाँ पर आपको राउंडेड यहाँ पर सारे के सारे आइकन्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप अभी Realme का कलर OS 6 यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो स्क्वायर है उस टाइप का कुछ आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों मेरे पास में Realme 1 है और आप लोग को मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर आपको स्क्वायर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको राउंडेड देखने को मिल जाएगा। तो अगर बात करें दोनों में से पर्सनली कि मुझे कौन सा यहाँ पर पसंद है, तो दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है, लेकिन कौन सा इन दोनों में से बेहतर लग रहा है तो वो डेफिनेटली ये वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले चेंज की तरफ, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है नीचे की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ऐप ड्रॉअर यूज़ करते होंगे तो आपको नीचे की तरफ एक अपर एरो देखने को मिलती है। चलिए मैं एक बार आपको जो है मेरे Realme 1 में दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे की तरफ एक अपर एरो देखने को मिल रही है जो कि थोड़ी थोड़ी डार्क आपको देखने को मिल जाएगा, लाइट डार्क है। तो यहाँ पर अगर मैं ऐप ड्रॉअर में जाता हूँ तो आपको ये पूरा का पूरा ब्लैक कलर पे देखने को मिलता है, लेकिन अब यहाँ पर इस नए अपडेट में आपको जो है किसी भी तरह की अपर एरो देखने को नहीं मिलेगी, आप लोग आराम से देख लीजिए। और अगर मैं यहाँ पर ऐप ड्रॉअर में एंटर करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल वाइट कलर का देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले चेंज की तरफ, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है आइकन्स में। देखिए आपको यहाँ पर आइकन्स जो है वो चेंज करके दे दिए जाएंगे। आपको यहाँ पर अगर मैं म्यूज़िक वाला आइकन दिखाऊँ इस कलर ओएस के 6 वाले में, तो ज़रा वेट करिए, म्यूज़िक वाला आइकन आपको दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये म्यूज़िक वाला आइकन किस तरीके का देखने को मिलता है। और अगर यहीं पर हम बात करें इस नए अपडेट में तो आपको म्यूज़िक आइकन कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। थीम्स की बात कर ले तो आपको यहाँ पे थीम्स में भी जो है आपको आइकन जो है वो चेंज करके दे दिया गया है। और यहीं पर अगर हम इस पुराने वर्जन की बात करें तो यहाँ पर जो थीम्स है इस थीम का जो आइकन है वो थोड़ा आपको ओल्ड टाइप का देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ये स्क्वायर टाइप है और ये राउंड में है, तो यहाँ पर भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले चेंज की तरफ, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है सेटिंग के अंदर। तो उसके लिए हमें सेटिंग में जाना पड़ेगा। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको सेटिंग में, और इसके बाद में हमें जाना है यहाँ पर कन्वीनियंस AID में, और यहाँ पर आपको जाना है नेविगेशन कीज़ पे। आप लोगों को यहाँ पर ऊपर ही ऊपर दिख रहा होगा स्वाइप जेस्चर फॉर बोथ साइड्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने Redmi का फ़ोन यूज़ करा है तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि अगर आप लोग यहाँ से एक बार में सिंगल मतलब एक बार में अगर आप स्वाइप करते हैं तो यहाँ से आप बैक चले जाओगे, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप दोनों साइड से एक एक बार करते हैं तो आप बैक चले जाओगे, लेकिन अगर आप सेम यहाँ पर प्रेस करके रखोगे, इसको होल्ड करके रखोगे, तो आप दूसरी ऐप पे स्विच कर जाओगे जो आपने पहले खोल के रख रखी थी। अब देखिए मैं इसको थोड़ा होल्ड करके रखता हूँ, अब यहाँ पर प्ले स्टोर का आइकन आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसे मैं छोड़ूंगा तो ये सीधा सीधा मुझे प्ले स्टोर पर ले जाएगा। तो ये एक बड़ा चेंज है, तो ये बेहतर होता है वो इसीलिए क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जल्दीबाजी में हमें कुछ ऐसे फीचर्स की ज़रूरत होती है जो कि हमें चाहिए होते हैं, और कंपनी अगर उन्हें प्रोवाइड कराती है तो एक थम्स अप बनता है कंपनी के लिए। हालांकि ये एक बेहतर है, मुझे काफ़ी पसंद आया है इन सभी फीचर्स के अंदर से। देखिए दोबारा मैं यहाँ पर अगर सिंगल बार टैप करता हूँ तो मैं बैक चला जाऊँगा। ओके, मैं बैक आ गया, लेकिन यही यहाँ पर अगर मैं थोड़ा होल्ड करके रखूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग का आइकन आ गया है। तो ये अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये मुझे सीधा का सीधा सेटिंग पे स्विच करवा देगा। तो ये कुछ इस तरीके का है, तो यही कुछ चेंजेस थे।
अब दोस्तों यहाँ पर आने वाले समय में और भी अपडेट आएंगे जहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए यही था आज की इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर तो जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। जब तक के लिए ख्याल रखिए अपना अपनी फैमिली का। तो जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।